गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एस सी सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे थे अपन, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि फिनॉल की कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होती है तथा ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनता है। अब कौन कौन सी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रीकरण अगर फिनॉल का करवाते हैं तो किस प्रकार से नाइट्रीकरण होगा। ये फिनॉल है, फिनॉल जब फिनॉल की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 से अभिक्रिया कराओगे तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये इस प्रकार से बनेगा OH NO2 NO2 NO2। नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, लेकिन नाइट्रो समूह कहां पर जुड़ता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन और तीसरी पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पर जुड़ जाता है। मतलब फिनॉल जो है उस फिनॉल की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है क्योंकि OH समूह इलेक्ट्रॉन पे किसको दे देता है, रिंग को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर क्या हो जाती है अधिक, और इसकी रिएक्टिविटी में वृद्धि होने के कारण दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तीनों पोजीशन पर कौन से समूह जुड़ जाते हैं, NO2 समूह जुड़ जाते हैं। मतलब बनता क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको दूसरा कह सकते हैं अपन पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है इस प्रकार से। अब देखो यदि अपने को क्या बनाना है, केवल ऑर्थो प्रोडक्ट या केवल पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो उस कंडीशन में यही जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है फिनॉल की, वो जब इससे करोगे डाइल्यूट HNO3 से करोगे, डाइल्यूट HNO3 से अगर ये अभिक्रिया की जाए तो डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये OH NO2 प्लस ये OH और NO2। मतलब एक प्रोडक्ट तो कौन सा बनता है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो इस प्रकार से अगर एक ही प्रोडक्ट ऑर्थो या पैरा बनाना है तो ऑर्थो और पैरा को बनाने के लिए अभिक्रिया किससे करनी पड़ेगी, डाइल्यूट HNO3 से करनी पड़ेगी। और डाइल्यूट HNO3 क्या है, ये वीक इलेक्ट्रो रिएजेंट है और ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया केवल ऑर्थो और पैरा पर ही होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, NO2+ प्लस। इस अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन काम करता है, NO2+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया है नाइट्रेशन, इसमें क्या जुड़ता है, NO2 जुड़ता है, कहां पर जुड़ता है, अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे मेन रिएजेंट की प्रेजेंस में तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और अगर ऑर्थो और पैरा प्राप्त करना है तो फिर अभिक्रिया किससे करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं। थैंक यू।